हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 9 ये, और ये है बेटा आपकी 6th क्लास की गणित की वर्कशीट। आज एक गणित की वर्कशीट आई है, दूसरी आई है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 2/8/2021 की। तो आज हम बेटा संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं की जानकारी में गुणा करना सीखेंगे आज हम। देखो बेटा इसमें क्या है, बेटा यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं, 1, 2, 3 इस साइड हैं और 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड है। तो हम 5 को 3 से गुना कर देंगे तो हमें बॉक्सों की संख्या का पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए यहाँ पर अगर 3 को 5 से गुना करते हैं या 5 को जो है हम 3 बार जोड़ देते हैं तो वही हमारा जो है आंसर वही आएगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा बार बार जोड़ना गुणा करना क्या होता है। बार बार जोड़ना, गुणनफल से बाय कितनी बार, और गुणा। गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं कि यदि कोई संख्या शून्य से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा क्या आता है, शून्य आता है। ठीक है, किसी संख्या और एक का गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है। अगर हम किसी को 0×1 करेंगे या 1×0 करेंगे तो क्या आएगी हमारी 0। तो देखिए बेटा यहाँ पर आगे देखिए, किसी संख्या का एक का गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है। किसी संख्या को अगर 10, 100 और 1000 आदि से गुणा करने पर हम उतने ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। मान लिया बेटा हम 10×10 करते हैं तो हम क्या कर देंगे, 1 तो आ जाएगा और इसके बाद हम उतनी ही शून्य लगाएंगे दोनों में जितनी है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 23×10 तो यहाँ पर होगा 230। ठीक है, 456×100 तो यहाँ पर 456 लिख के और 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। इसके बाद 738×1000 तो यहाँ पर 738 लिख के और 3 0 ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे की ऐसे। आगे देखिए बेटा यहाँ पर 123 और 321 का गुणनफल कितना होगा, 123 को 321 से गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, 2625, उसकी वार्षिक आय क्या होगी। तो मासिक वेतन कितना है, 2625, और प्रति वर्ष के महीने कितने होते हैं, वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, इसको गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इससे उसकी आय का पता चल जाएगा। आगे देखिए बेटा ब्रेन टीजर दिया गया है, ज्ञात कीजिए, यानी कि हम जो है 562 को हम 0 से गुणा करेंगे, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 0 को 6 से गुणा करेंगे 0, और 0 को 5 से गुणा करेंगे 0। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो हमारी 0 आती है। आगे देखिए यहाँ पर 8741 से अगर हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वही संख्या हमारा आंसर आ जाएगी। इसके बाद है 540×100, तो यहाँ पर देखिए हम 540 को ऐसे के ऐसे लिख देंगे बेटा, इसके बाद जितनी भी 0 लगाई गई हैं 100 में उन 0 को हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद 541 है, 541 को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे और उसके बाद जितनी भी 0 आई हैं 1, 2, 3 उसको ऐसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा एक बॉक्स में बिस्कुट की 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं, ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्कुट हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्किट हैं, ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्किट हैं। तो हम क्या करेंगे, 480×12 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर देखते हैं, 480×12 तो 2 0 0, 2 8 16, 1 लगाया हमारा चल, 2 4 8 और 1 9, हम यहाँ पर 1 0 0, 1 8 8 और 1 4 4, 0 6 9 8 17 और यहाँ पर 4 1 5, 5760 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर होती है हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।